ओसवाल प्रीमियम बासमती राइस, इतने महके इतने खिले कि हर रिश्ते में खुशियाँ घुले। ओसवाल, हर रिश्ते का रखे ख्याल। अगर आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। आपको बता दें चले कि किसानों ने उपजिलाधिकारी महोदय का घेराव किया और ज्ञापन सौंपा। मांग पत्र में किसानों ने कहा कि किसानों को कमेटी के अंदर नहीं रखा गया है। किसानों ने बताया कि उपजिलाधिकारी महोदय के माध्यम से किसानों की कमेटी बनाई गई है, लेकिन उसमें भाजपा सरकार के ही पदाधिकारी बनाए गए हैं और किसानों में से किसी को भी नहीं लिया गया है, जो कि गलत है। हम चाहते हैं कि किसानों का समस्त धान मंडी में ही आए और किसानों को उसका सही मूल्य प्राप्त हो। किसान कमेटी के जिला अध्यक्ष ने बताया कि हम चाहते हैं 1 तारीख से कांटे लग जाने चाहिए और किसानों की कमेटी जो बनाई गई है उसके लिए हमें जानकारी नहीं दी गई है। हम चाहते हैं कि किसानों की कमेटी में किसानों को ही रखा जाए, जबकि ऐसा न करके भाजपा के कार्यकर्ताओं को ही किसान कमेटी में रखा गया है, जिसके कारण किसानों को परेशान ही होना पड़ेगा और किसानों की समस्या का समाधान नहीं होगा। इसी के साथ समस्त किसानों ने मंडी सचिव का भी घेराव किया, लेकिन मंडी सचिव के न होने पर किसान भड़क उठे और मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए और वहीं बैठ गए। किसानों ने कहा कि जब मंडी सचिव को यहाँ होना चाहिए तो यहाँ क्यों नहीं है, मंडी सचिव को यहाँ बुलाओ। भारतीय किसान यूनियन सितारगंज, आज हम लोग यहाँ उपजिलाधिकारी महोदय को शीघ्र से शीघ्र तोल शुरू करवाने का, धान आज हमारा होने पौने दामों पर किसान हमारा लुट रहा है 1200-1300 में, तो हम चाहते हैं कि यहाँ खुली बोली हो, मंडी में सारा माल आए और उसके बाद में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उससे कम पर किसी कीमत पर भी किसानों का माल ना तोले, ये मांग पत्र आज हमने दिया है। और जो 3 काले कानून किसानों के लिए हमारी सरकार ने बनाए हैं उनको तत्काल वापस किया जाए, उनको रद्द किया जाए, जो भी कानून है उनको ख़त्म किया जाए। और यहाँ आने पर हमें आके हमारे संज्ञान में आया है कि हमें SDM कार्यालय से पता चला है कि कोई कमेटी गठित की गई है किसानों की तौल के संबंध में, तत्काल तौल होनी उसके ऊपर दिया है और बाकी जो कानून बना है उसके ऊपर तो भी लंबा संघर्ष हमारा चलना है, उसको भी वापस कराना है हमने। और इसमें चला तो हमें SDM साहब के ऑफिस से पता चला है कि इन्होंने किसानों की कोई कमेटी बना के हमारी तौल करवाई है, जबकि हमारे तीनों जो किसान यूनियन हैं वो हमारे साथ यहाँ पे पहुँची हुई है, किस हम इनमें से एक भी नुमाइंदा इनका नहीं चुना है और भाजपा के 4-6 आदमियों को चुन करके इन्होंने ये कह दिया कि उनकी कमेटी बना देगी किसानों की। वो अपने आकाओं का कहना मानेगी जहाँ हमारे गरीब किसानों का कहना मानेगी। हम ये चाहते हैं कि अगर हमारे किसानों के आदमी डालने हैं तो हमारे किसान तीनों किसान यूनियन हैं, तीनों किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, उनको इस कमेटी में रखा जाए, ना कि भाजपा के लोगों को उसमें रख करा है। और ये गलत बात है, हमारे किसान यूनियन के आदमी लेने चाहिए, किसान आदमी लेने चाहिए। मैं किसान यूनियन का जिला उपाध्यक्ष हूँ, मुझे इस मीटिंग के बारे में बताया तक नहीं गया है। किसान यूनियन अखिल भारतीय किसान यूनियन भी मौजूद है यहाँ पे और टकैत किसान यूनियन टकैत भी मौजूद है। मैं जिलाध्यक्ष हूँ, किसी को भी किसी प्रतिनिधि को